तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुनील डॉग ट्रेनर लाइफ। तो जैसा कि आपको पता ही है, इस पर एक सीरीज चल रही है, हाउ टू बिकम अ डॉग ट्रेनर। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि फर्स्ट डे से आपको कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। जैसे आप पहले अपने क्लाइंट्स के पास जाते हो और पहला अपना डॉग ट्रेन करते हो, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है? दिमाग में तमाम तरीके के सवाल होते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट टाइम होता है तो आप थोड़ा सा हेजिटेट भी होते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देखिए कितना परेशान कर रहा है ये डॉग मुझे। तो जब फर्स्ट डे आप जाते हो तो आपको नहीं पता होता डॉग के नेचर के बारे में कि आपको कैसा उसके साथ बिहेव करना है। डॉग बस आपकी तरफ, जैसे नया डॉग है तो आपके छोटे डॉग से ही स्टार्ट करना है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। तो सबसे पहले आपको ट्रीट अपने पास रखनी है और डॉग का इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ए जैक बॉय, इधर आओ, दिस साइड, दिस साइड, गुड। तो आपको क्या करना है कि ट्रीट स्टार्टिंग में पहले दिन जाओ तो बार बार ट्रीट करो। जैसे इसका नाम जैक, टेक इट, रॉकी, टेक इट। तो बार बार उनको ट्रीट करना है और अपने से ज़्यादा मतलब कनेक्ट करना है डॉग को। कनेक्ट ऐसे ही होगा, डॉग डॉग को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये बेसिक डॉग ट्रेनिंग का रोल है कि डॉग को अपने पे कैसे इंटरेस्टेड बनाए उसको, कि ट्रेनिंग के लिए वो तैयार हो जाए, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें, तो कि जो आपकी बातों को सुने। तो बस डॉग को बार बार दूर दूर जाके ट्रीट करते रहना है। ये फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का, तो फर्स्ट डे में ही बस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि डॉग को आपको एक इंटरेक्शन क्रिएट करना होता है अपना डॉग के साथ। आपको उसकी बातें समझनी होती हैं, गुड बॉय, जैसे कि आपको अटेंटिव बनाना होता है डॉग को, जिससे कि वो आपको अटेंशन दे बार बार। तो डॉग के साथ खेलो, उसका टाइम स्पेंड करो, बार बार उसको ट्रीट करो। ट्रीट करने पे से मतलब ट्रीट को ऐसे पकड़ो इस तरीके से हाथों उंगलियों के बीच में, ये दिखा दूंगा, और ये इस तरीके से मुँह के अंदर तक डालो ट्रीट को ऐसे। आपको भी स्टार्टिंग में डर लग रहा होगा, तो वो चीज़ें निकल जाएंगी और पूरी सीरीज स्टार्टिंग से देखोगे तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये चौथी वीडियो है, फोर्थ वीडियो है डॉग ट्रेनिंग की, और फर्स्ट डे है कि कैसे आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, पहला दिन कैसा होगा आपका। तो बहुत ज़रूरी वीडियो है, पूरा एंड तक देखिएगा। फिर जब आप ट्रीट करेंगे डॉग को बार बार, उसके दूर दूर जाके इस तरीके से आप ट्रीट करते रहो, जिससे कि लगे कि आप ट्रेन कर रहे हो। और डॉग को ट्रीट जब भी करो तो आप अपनी एक बॉडी लैंग्वेज को फिक्स रखो। ऐसा नहीं है कि मतलब रेगुलर जो आप जैसे रहते हो उस लैंग्वेज को आपने सुधार ही लिया होगा लास्ट वीडियो में देख के, बट आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। एकदम से स्टार्टिंग में आपके बिहेव में तो नहीं आएंगी चीज़ें, बट आप धीरे धीरे बन रहे हो ट्रेनर, स्टार्टिंग है तो ज़रूरी नहीं परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, बट अपनी चीज़ों को अच्छे से करना है कि आप जो कर रहे हो वो ट्रिकी हो और जैसे कर रहे हो वो राइट वे हो, वो चीज़ सीखनी है। ट्रीट को पकड़ो और इस तरीके से मुंह के अंदर तक डाल के ट्रीट करनी है, गुड बॉय, शाबाश बार बार बोलना है, जिससे आपके वर्ड्स जो है पहचान जाता है डॉग। तो कुछ दिनों तक यही प्रैक्टिस करनी होती है, 2-3 दिन तक। और कम हियर बॉय, कम हियर, पॉटी लग रही है उसको, जाओ करके आओ, गो गो। और जब भी आप, और सबसे पहले दिन से ही आपको सेट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है, अटेंटिव बनाना है आपको, अटेंशन, और इस तरीके से सिट बोलते हुए ट्रीट करनी है। हालांकि इसको सिट आता है बट मैं आपको तरीका फिर भी बता रहा हूँ। तो कम सिट, शेक हैंड, ट्रिक सिखानी है। और मैं हर एक कमांड नहीं सिखाऊंगा स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग वीडियो पे, मैं चैनल पे अपनी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, बट आपको क्या है कि मेन जो आधार होता है ट्रेनिंग का, ट्रीट। डॉग जितना इंटरेस्टेड होगा ट्रीट खाने के लिए, जितना इंटरेस्ट क्रिएट करेगा उतना डॉग अच्छे से सीखेगा। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्टिंग ट्रीट लेनी है और डॉग को हर चीज़ ट्रीट के सहारे सिखा सकते हो। कमांड कैसे बनानी है, क्या करना है, सारी चीज़ ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि डाउन सिखाना तो ट्रीट का यूज़ करना है, डाउन, ये नाक के पास लगी तो डाउन इस तरीके से नीचे करते हुए लाए, डाउन हो गया तो गुड बॉय, शाबाश, और ट्रीट को छोड़ दिया, ठीक है। तो ट्रिक होती है अलग, अपनी आप से भी क्रिएट कर सकते हो ट्रीट। कैसे कि जब से स्टैंड अप बोलना है, स्टैंड अप बॉय, इसके पेट के पास ऐसे लगाओगे तो खड़ा हो गया, गुड स्टैंड अप, उसे पता नहीं है, बट क्या है कि जब आप बोलते रहोगे सिट, गुड बॉय, अब यहाँ से बोलना है स्टैंड अप, जब ऐसे करा बार बार खड़ा होगा तो उसे पता है स्टैंड अप बोलते खड़ा हो जाता है डॉग। तो इन चीज़ों को जब आप परफेक्ट करोगे तो आपके अंदर भी परफेक्शन आता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेनिंग का पहला दिन है वो स्टार्ट करना है। आपको आवाज़ तो नहीं आ रही है, तो ससराहट, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ना आज, मौसम बहुत अच्छा है इधर का, तो हो सकता है नॉइस आ रहा हो। अभी मैं इसका पफ लाना दूर रखा हुआ है, लाऊंगा तो टाइम जाएगा और अंधेरा हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना है आपको, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और मेरा यही मकसद है कि आपको एक अच्छा ट्रेनर बनाऊं और आप भी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएँ, नई स्किल अपने अंदर ऐड कर पाएँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा जो काम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिखाना, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है तो सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सुनील डॉग ट्रेनर लाइफ को इसे। और बाकी तो मैं अपने चैनल पर अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें डालता हूँ, बट अब मैंने एक, आप मुझसे जुड़ गए हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस भी लाना ज़रूरी है, नॉलेजेबल वीडियोज़ भी मैं देता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है। आ जाओ, कम है, मतलब जब ट्रीट बार बार मिलेगी इनको ना तो इतने अटेंटिव हो जाएंगे, जिधर आप जाओगे देखो, कम हियर, साथ साथ में चलते रहेंगे, जहाँ भी जाओगे पीछे, नो,
ये हाथ हाथ की तरफ ही देखता है कोई भी डॉग, देखो आपके हाथ के इशारों को बहुत समझते हैं, तो जब भी आप आपके जेस्चर बहुत काम करते हैं, सिट बोल रहे हैं तो उसी का यूज़ करना है स्टार्टिंग में, और 10-15 मिनट ट्रेनिंग करो, ज़्यादा मत करो, डॉग बोर होने से पहले ट्रेनिंग छोड़ दो। और ये मत सोचो कोई देख रहा है क्या कह रहा है, आप स्टार्टिंग में हो बट आप तरीके अच्छे कर रहे हो अपने, जो आपको तरीके पता है उस पर काम करते रहो, ये मत सोचो कि डॉग इससे सीखेगा नहीं सीखेगा, अगर तरीका आपको थोड़ा भी गलत है बट रिपीटेशन बार बार गए हैं तो डॉग को समझ में आ जाता है। और एक ही जेस्चर सेट कर लो पूरी ट्रेनिंग में, सिट सिट हियर बॉय, जब इस तरीके से जाते हो ना तब कोई बंदा कभी सिट ऐसे बोल देगा, मुँह से ऐसे बोलेगा नहीं, स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ें फिक्स रखनी है अपनी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही वैसे ही हो जाएगी। तो ये तो था तरीका सिखाने का कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या बातें पहले दिन करनी है और उनको रिपीट करना है एक हफ्ते तक, और कमांड धीरे धीरे बढ़ाते जानी है। तो मज़ा आ रहा है, आराम फरमाया जा रहा है, देखो थोड़ी ट्रेनिंग क्या हुई। और डॉग ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो आपको बस ध्यान नहीं देना कि कोई बोल रहा है कि 1 घंटे ट्रेनिंग कराओ, आधा घंटे, ये ट्रिक्स हैं कि 10 अगर 15 मिनट तक डेली, अगर डेली एक चीज़ को रिपीट करोगे 2 या 3 बार भी ना, तब भी डॉग बहुत जल्दी समझ जाता है। कम हियर जैक, गेट अप, कम, गेट अप जैक बॉय, कम हियर, ये तुरंत बात को मानेगा, बहुत ज़्यादा ओबीडियंस डॉग है, इतना मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि मैंने जो मतलब 2-3 साल पहले ट्रेन किया, इसको अभी तो ट्रीट कर दूँ और इसको यहाँ से बोल दूँगा ना, इसका कैनल वो वहाँ दूर है, वहाँ दूर, गो टू कैनल, गो फास्ट जैक, चेक कैनल में जाओ, गो टू कैनल, गो टू योर कैनल, फास्ट गो फास्ट, वहीं चला जाएगा सीधे, बट मैं इसको रोक ले रहा हूँ अभी, क्या स्टॉप जैक, आ जाओ जैक, कम बैक, कम बैक, आ जाओ, कम हियर, कम बैक फास्ट, आ जाओ, मतलब ओबीडियंस तो इतना है, बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके का जर्मन शेफर्ड होना चाहिए, और गार्ड इतना मतलब ज़बरदस्त है, शांत इतना है कि बहुत ज़्यादा शांत एकदम सीधा रहेगा, और अग्रेसिव इतना है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, तो इसको जैसा जर्मन शेफर्ड होना चाहिए वैसा है ये। तो चलिए लौटते हैं। इस तरीके से आप जैसे कुछ कमांड स्पिन है, तो स्पिन क्या गोल घूमना होता है, तो आपने स्पिन नाम दिया कमांड को, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे तरीके से लाओगे स्पिन, डॉग ट्रीट जब ट्रीट खाने के लिए इंटरेस्टेड है, वो बार बार उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको ऐसे करना है, स्पिन बोलना है, ठीक है। तो ट्रीट दिखा के ऐसे सिखा लिया, तो आप स्पिन सिखा लोगे, स्पिन हो गई, शेक हैंड सिखाने का तरीका होता है, तो हाथ बार बार, जो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग में, तो कमांड कैसे क्रिएट करनी है वो रिपीटेशन, जैसे कि शेक हैंड नहीं आता था इसको, तो क्या करा, शेक हैंड, उठाया हाथ, गुड बॉय, और ट्रीट करा, तो बार बार जब रिपीट होंगी चीज़ें, ट्रीट मिलेगी उसको इस पैटर्न के बाद, तो अपने आप से उठाने लगेगा, तो शेक हैंड सीख जाएगा डॉग। इस तरीके से डाउन हो गया, स्पीक जब नॉर्मली भौंकता है डॉग को, एक जगह बांध हो गए, बार्क, तो ऐसी बहुत सारी कमांड्स आप क्रिएट कर सकते हो। और मैंने सिखाने की ट्रिक्स भी डाली हुई है स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग चैनल पे, तो वो मेरा पर्सनल चैनल है ट्रेनिंग का, तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप सीख सकते हो, और जो ट्रेनर की क्वालिटीज़ है वो यहाँ मैं बताता हूँ आपको। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना था कि फर्स्ट डे कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, उम्मीद है कि नॉलेजेबल वीडियो होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक भी वीडियो मिस करोगे, पूरी वीडियो देखनी होती है आपको, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।